रात्रि में थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दो शराब तस्करों को अलग अलग स्थानों से गैर प्रांत के अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अनुज को कोरंजी पुलिया से स्कॉर्पियो गाड़ी में 20 पेटी शराब तथा अभियुक्त मोहित को औरंगाबाद रोड करेथा मोड़ से मारुति जैन गाड़ी में 15 पेटी शराब हरियाणा निर्मित सहित गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तगण अरुणाचल प्रदेश हरियाणा निर्मित शराब को कम कीमत पर तस्करी कर लाए थे, जो संभवतः आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के अवसर पर प्रत्याशियों को अधिक कीमत पर बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से तस्करी कर लाए थे। बुलंदशहर पुलिस प्रशासन की हम लोग बात कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, इसी के अंतर्गत दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं शराब माफियाओं की कमर तोड़ने पर लगे हुए, मगर शराब माफिया है कि मानने को तैयार नहीं है। जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है, शराब के कांड हो रहे हैं। अभी जल्दी में तेजड़ी कांड हुआ था, उसके बाद पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, मगर शराब माफियाओं ने हद कर रखी है इस शहर के अंदर। जगह जगह गाँव गाँव में ये फैले पड़े हैं। देखते हैं हम, अभी बुलंदशहर में एक रात में पकड़े गए हैं शराब माफिया, इनसे करीबन 15-20 पेटी एक बंदे मिली हैं और 10-12 पेटी एक और बंदे से मिली हैं। जहांगीराबाद पुलिस ने एक अच्छा काम किया है शराब माफियाओं की कमर तोड़ के। आने वाले भविष्य में और देखते हैं हम लोग कि जहां की पुलिस ने क्या काम करती है। बुलंदशहर से प्रदीप तोमर की रिपोर्ट।